हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो सुबह के अभी 8 बजे हुए हैं और मैं और मेरा छोटा भाई आए थे खेत में घूमने के लिए और खेत देखते ही मेरे छोटे भाई को लग गया प्रेशर, तू करके आ भाई जल्दी से। तो गाइस जब तक वो करके आता है तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ जब तक। वैसे धूप बहुत ज्यादा हो रही है तो गाइस जब अच्छा कर ली ठीक है मैं अभी आता हूँ। तो गाइस ठीक है बाय बाय, मैं उसकी टट्टी धुलवा के आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वीडियो को बैक मत करना, तुम बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। ये तो बस मैं ऐसे ही कर रहा था, वरना तुम्हें पता ही है तुम्हारा भाई कोठे और व्लॉगिंग दोनों से ही कोसों दूर रहता है। इससे पहले मैं आगे बढूं, ए राजू यार पिछवाड़ा बहुत दर्द कर रहा है। तो इतना मरवाते कहे हो भैया जी? अबे हट, ये कुर्सी की दिक्कत है यार, कोई उपाय बता। अच्छा फिर मैं एक मंत्र मारता हूँ, गांड मेरी बर्फ जैसी, इससे पहले ये पिघल जाए फटाफट से ये कुर्सी बदल जाए। भाई राजू एक नंबर सुहाना आ गया यार। तो गाइस कुर्सी का सोप ना करते हुए अब आते हैं वीडियो पर। आज की वीडियो हमारी एक बहुत ही फेमस व्लॉगर के ऊपर है, मिस्टर सौरभ जोशी। तो बिना देरी किए कुर्सियों की पेटियां बांध लो और शुरू करते हैं आज की बकचोदियां। तो हमारी नई जनरेशन के और मम्मी पापा के कोरोना लॉकडाउन के नतीजे वाले बच्चों का फेवरेट सौरभ जोशी हंसी खुशी अपना चैनल चला रहे थे और हमारे बीच अपने डेली व्लॉग शेयर कर रहे थे। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है, जब कोई YouTube पे हल्का सा फेमस हो जाता है ना तो कुछ दल्लों की गांड सुलगने लगती है, मार खाएगा। और उसी गांड पे मरहम लगाने के लिए फिर ये लोग करते हैं सौरभ जोशी एक्सपोज। मैं इन जैसे चूतियों से बस यही कहता हूँ कि जब किसी से मिलो तो तमीज से पेश आया करो, कि अर्ज है जब किसी से मिलो तो थोड़ा तमीज से पेश आया करो। अगर किसी की तरह की देखकर इतनी ही जलती है गांड तो उस पे बर्फ लगाया करो। तो इसी जलन से पीड़ित मैं मिलवाता हूँ आपको एक चुचनिया से। और साहिल भाई क्या हाल है, पहचाना? तो ये भाई साहब भी एक व्लॉगर है और इनका चैनल है ये। तो जैसे आपने देखा कि ये सौरभ जोशी से मिलने गए और उसके बाद उसी वीडियो में ये कहते हैं, पर यार ये देखो ना यार, सौरभ भाई को मतलब बाहर आना चाहिए ना यार, मतलब हम लोग आ रहे, कितने लोग आ रहे थे, लोग फोटो खिंचा रहे थे उनसे, एटलीस्ट बाहर आके फोटो खिंचा लेते। ये नहीं ये थोड़ा है कि मतलब यार तुम गाड़ी का शीशा डाउन कर दो और फिर एक मुंडी बाहर निकाल के फोटो खिंचा। अच्छा झाटू, मतलब किसी बंदे की कोई पर्सनल लाइफ, कोई प्राइवेसी कुछ नहीं है, बस वो तुमसे बाहर आके मिले तो वो सही। अबे बंदर की सूखी गांड जैसे सकल वाले आदमी, तू एक बात बता, तू अगर किसी बच्चे के गाल को पकड़ के खींच रहा है और फिर उसी बच्चे को तू रूड बता रहा है, भाई मैं सही बता रहा हूँ, अगर मेरे गाल को मेरी इजाजत के बिना कोई टच भी कर दे ना तो कसम से उसकी गाल और गांड दोनों तोड़ दूंगा। और बात बस ऐसे व्लॉगर की नहीं जो सौरभ जोशी से मिलने आते हैं, बल्कि कुछ लोगों ने तो अपना पूरा चैनल ही सौरभ जोशी के नाम पे चला रखा है। अरे रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। उन्हीं में से हमारी एक चाची है मिस पायल जोन। तो ये बात तो नाम सुन के ही क्लियर हो गई, जैसे हमारे यूट्यूब के स्टार मिस्टर गोबर जोन, तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाली हमारी चाची मिस पायल जोन। ये तो टट्टी है, इन्हें बस YouTube पे हगना है, मतलब कोई बंदा किसी के ऊपर एक दो वीडियो बना दे तो चलता है, लेकिन इन्होंने रिप्लाई टू सौरभ जोशी, सॉरी सौरभ जोशी, लीगल एक्शन अगेंस्ट, और तो और सौरभ जोशी अटैक ऑन दादी, सौरभ जोशी ने मेरे घर में सांप भेजा, और भी बहुत सारी है। मैं बस इन मोहतरमा से ये पूछना चाहूंगा कि बातों में सेंस नहीं है तुम्हारी, के बातों में सेंस नहीं है तुम्हारी, मतलब हर वीडियो में हग दिया और यूट्यूब पर चैनल बनाया और पूरा चैनल सौरभ जोशी से ढक दिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो बस यार आज के लिए इतना ही, और किसी को भी हेट मत फैलाना, और यार मैं भी चलता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा कुर्सी का मजा लेने दो। ए राजू एंडिंग लगा रे बाबा। तू पहले बैठ के माथे ढोक, अपना तो कुछ ना कुछ हो जाएगा ब्रो, तू पहले बैठ के बातें जो बातें जो बातें सुनो।